क्लास थ्री है हमारी और हमारी बुक है जनरल नॉलेज। तो हमारा आज का सबक है ज़मीन पर ज़िंदगी। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ज़िंदगी कहाँ होती है। ज़िंदगी ज़मीन पर होती है। ज़मीन पर ज़िंदगी सूरज, हवा और पानी की वजह से मुमकिन है। तो ज़मीन पर ही ज़िंदगी क्यों है? क्योंकि ज़मीन पर हमें सूरज, हवा और पानी मिलता है। तारीफ हम करेंगे मस्कन की। मस्कन क्या होता है? जानदारों के रहने की जगह उनका मस्कन कहलाती है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिस जगह पर जानदार रहते हैं उनको मस्कन कहते हैं। ज़मीन जानदारों का मस्कन है क्योंकि जिस जगह पर जानदार रहते हैं उसको मस्कन कहते हैं। इसलिए ज़मीन जानदारों का मस्कन है क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं। रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। रोशनी और हरारत से पौधे नशोनुमा पाते हैं। पौधे कई किस्म के होते हैं। तो रोशनी और हरारत से पौधे बड़े होते हैं यानी कि नशोनुमा पाते हैं। पौधे कई किस्म के होते हैं। बच्चों पौधे कई किस्म के होते हैं। उनसे फल, सब्जियां और अजनास हासिल होती हैं। कुछ जानवर उन चीज़ों को खाकर ज़िंदा रहते हैं जबकि कुछ जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं। मसलन हिरन पौधे खाता है, शेर हिरन का शिकार करता है। इंसान फल, सब्जियां और अजनास के अलावा जानवरों का गोश्त भी खाते हैं। सूरज के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। यानी अगर सूरज ना हो तो ज़मीन पर ज़िंदगी नहीं मुमकिन। तो ज़िंदगी किस तरह मुमकिन है? सूरज से। अगर सूरज ना हो तो ज़मीन पर रोशनी और हरारत नहीं होगी। यानी अगर सूरज ना हो तो ज़मीन पर रोशनी भी नहीं होगी और हरारत भी नहीं होगी। पौधे उग नहीं सकेंगे और किसी भी जानदार को खुराक नहीं मिलेगी। तो क्योंकि जब सूरज नहीं होगा तो रोशनी और हरारत नहीं होगी, पौधे भी नहीं उग सकेंगे और किसी भी जानदार को खुराक नहीं मिलेगी और फिर जानदारों को खुराक भी नहीं मिलेगी। इंसान हो या जानवर, पौधों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। पौधे सिर्फ सूरज की रोशनी में ही नशोनुमा पाते हैं। तो नेक्स्ट हम जंगल में रहने वाले जानदार उनके बारे में बात करेंगे। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय फॉर नाउ।